बेहतर है। अगर बॉलीवुड के इतिहास के बारे में देखें तो बॉलीवुड में बनी कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने अपने दौर में इतिहास रच दिया था, फिर चाहे वो फिल्म शोले हो या फिर फिल्म गदर एक प्रेम कथा हो, जिनको दर्शक सालों साल देखते नहीं थकते। अब बात चाहे उनके गीतों की हो या फिर अभिनेताओं के सुंदर अभिनय की, दोस्तों यूँ तो बॉलीवुड में आए दिन फिल्में रिलीज होती है, कई फिल्में तो ऐसी होती है कि कब आई और कब चली गई कुछ पता नहीं चलता। अब या तो फिल्म में भरपूर कॉमेडी हो या फिर फिल्म एक्शन सीन में हो तो फिल्म अच्छी खासी चल जाती है। लेकिन इन सब से हटकर अगर फिल्म हिंदुस्तान के पन्नों पर लिखे गए इतिहास के ऊपर हो तो फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के चांस कहीं हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन साथ ही अगर फिल्म में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया हो तो बहुत सारी जगह पर फिल्म बैन भी कर दी जाती है, और हो भी क्यों ना। दोस्तों जिस आन बान और शान के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने शीश कटाए हैं उसके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होगा तो कोई कैसे चुप बैठेगा, जिसका अच्छा खासा उदाहरण फिल्म पद्मावती है। और अब इसी विषय पर एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है पृथ्वीराज। दरअसल दोस्तों हम इतिहास के 12वीं शताब्दी के पन्नों को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता। वो चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने, हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए, जिसकी अब निगाहें दिल्ली पर टिकी थी। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर हिंदुस्तान के सबसे शूरवीर शासक और अंतिम हिंदू राजा अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे, जो युद्ध कला में पूरी तरह निपुण थे और तीर अंदाजी में तो उनका जवाब नहीं था। उनको पराजित करना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा था। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि हुआ करता था जो कि एक तरह से उनका सच्चा मित्र भी था, जिनके द्वारा लिखित एक पुस्तक पृथ्वीराज रासो थी, और यह फिल्म भी काफ़ी हद तक आधारित होने वाली है उसी रासो पर, जिसने बताया कि पृथ्वीराज के समकालीन कन्नौज का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था जयचंद गढ़वाल, जिनकी आपस में भारी दुश्मनी हुआ करती थी। वैसे तो आसपास के सभी राजाओं को पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने आपसी दुश्मनी मोल ले रखी थी, लेकिन इन सभी में प्रमुख था जयचंद गढ़वाल, जिसकी पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज के बीच आपसी प्रेम था। और कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ करता है, और इन्हीं सब का फ़ायदा उठाते हुए मोहम्मद गोरी ने जयचंद से हाथ मिला लिया और दिल्ली की तरफ निकल पड़े, क्योंकि उस समय दिल्ली पर कब्जा करने का मतलब था सीधे सीधे हिंदुस्तान की सत्ता अपने हाथ में लेना। वैसे तो कहा जाता है कि 16 बार युद्ध में पराजित होने के बाद भी हिंदू राजाओं ने गोरी को जीवित छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार कुछ ऐसा होने वाला था जिसे इतिहास के पन्नों पर बड़ी ही बारीकी से उतारा गया। वैसे तो बताया जाता है कि पृथ्वीराज का शासनकाल 1177 से 1192 तक था, और इस समय अंतराल के बीच उन्होंने बड़े बड़े युद्धों में विजय हासिल की। लेकिन इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था 1191 और 92 का तराइन का पहला और दूसरा युद्ध। इधर दिल्ली की गद्दी पर विराजमान पृथ्वीराज चौहान के कानों में जब ये खबर पड़ती है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी दिल्ली पर हमला करने वाला है, जिस पर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, हम राजपूत हैं राजपूत, गोरी जैसे तुच्छ लुटेरे से नहीं डरते, करने दो आक्रमण। इधर जोश में गोरी ने दिल्ली पर हमला बोल दिया और दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है, जिसमें गोरी पृथ्वीराज के हाथों बुरी तरह से पराजित हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, हिंदुस्तान के राजा शत्रु को भी माफ़ करने का हृदय रखते हैं, और इसी के चलते गोरी को सम्मानजनक गजनी पहुंचा दिया जाता है। लेकिन गोरी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और पुनः हमले की तैयारी शुरू कर देता है, पर गोरी को पता है कि वो अकेले पृथ्वीराज को पराजित करने में असमर्थ है, इसलिए गोरी ने जयचंद के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और जयचंद से हाथ मिला लिया, और इनकी आपसी फूट का गोरी ने जमकर फ़ायदा उठाया, जिसमें दोनों की संयुक्त सेनाओं ने तराइन के दूसरे युद्ध में विजय हासिल कर ली और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया, जहां दोहे के द्वारा
उनके मित्र चंद्रवरदाई ने सुल्तान की स्थिति बताई और पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाकर घुरी की हत्या कर अपने अपमान का बदला लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आज तक हमने सिर्फ किताबों और स्कूलों में पढ़ी है, आज पहली बार यह हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी, जहां सुपरस्टार अक्षय कुमार हमें पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं और मानुषी छिल्लर हमें संयोगिता के रूप में दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद रहेगी कि फिल्म में इतिहास के साथ कोई तोड़ मरोड़ नहीं होगा। दोस्तों, फिल्म के टीज़र को देखने से पता चलता है कि फिल्म को बड़े पैमाने पर शूट किया गया है और फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होने वाला है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। फिल्म में घोरी की भूमिका में संजय दत्त होने वाले हैं, साथ ही चंद्रवरदाई के कैरेक्टर को प्ले करने वाले देश के नेशनल हीरो कहे जाने वाले सोनू सूद होने वाले हैं। दोस्तों, यशराज के बैनर तले बनी ये एक बड़ी फिल्म होने वाली है। तो दोस्तों, नए साल के शुभ अवसर पर यह फिल्म हमें 21 जनवरी को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तब तक देखते हैं ये फिल्म कैसी होने वाली है और आपकी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।